नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। नेशनल रूडो 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दें ये खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद। ईद की नमाज को लेकर ईदगाह में ईदगाह कमेटी प्रशासन व नगर निगम द्वारा तैयारियां जोरों पर। फिरोजाबाद में आज एसपी सिटी सीओ सदर तथा एडीएम ने किया गांधी पार्क इस्लामिया इंटर कॉलेज का निरीक्षण, क्योंकि ईद की नमाज पढ़ी जानी है। इसी के मद्देनजर आज प्रशासन की तरफ से ये निरीक्षण किया गया है। साथ ही यहां का जायजा लिया गया, कैसी और क्या व्यवस्था है और क्या व्यापक इंतजाम होने चाहिए। साथ ही साथ बताया, हर बार की तरह इस बार भी प्रशासन की सुरक्षा के कड़े इंतजाम के साथ नजर रखते हुए ईद की नमाज अदा की जाएगी और प्रशासन का पूरा सहयोग रहेगा। इस बार और नमाज सड़कों पर अदा नहीं की जाएगी, जो भी चयनित जगह है उन्हीं में नमाज को अदा करने की इजाजत दी जाएगी। फिरोजाबाद से देखिए रिपोर्ट ऋषि पंडित के साथ। गांधी पार्क में जिस तरीके का आपके द्वारा निरीक्षण किया गया है, उसको लेकर के प्रशासन की क्या व्यवस्थाएं हैं और नमाज को लेकर के? देखिए, ईदगाह इंतजामिया कमेटी साथ में है और सीओ सिटी साहब, एडीएम साहब भी आए थे यहाँ पर और सब लोग साथ में आज निरीक्षण किया है। ईदगाह की नमाज की तैयारी पूरी सबका आकलन किया, यहाँ जो स्थल है उसे साफ सफाई, नगर निगम की तैयारी पूरी, इन सबका आकलन किया गया। सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है और अभी हमारे पास समय है, ये सब ठीक समय पे ही पूरा करा लिया जाएगा। ड्यूटी भी फाइनल हो रही है, क्योंकि जो जो पॉइंट और हमें समाहित करने हैं सबसे वार्ता करके उस सबको समाहित कर लिया गया है और पूरी माकूल तैयारी हमारी है और सब कुछ सकुशल शांतिपूर्ण निपटाया जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू। बाबा फैमिली प्लाजा की तरफ से ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। ईद के शुभ अवसर पर फैंसी रेंज के साथ हमारे यहाँ किड्स वियर, लेडीज वियर व जेंट्स वियर आदि गारमेंट्स उपलब्ध हैं। आप सभी को शहजाद खान प्रदेश उपाध्यक्ष भारती के साथ यूनियन भानु एवं समाज सेवी की तरफ से ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। एफएच मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल एतमादपुर रेलवे पुल के पास NH2 टूंडला फिरोजाबाद की तरफ से सभी देशवासियों को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को वार्ड नंबर 48 लेवल कॉलोनी के पार्षद पति गुलशन खान की तरफ से ईद की हार्दिक शुभकामनाएं।